हेलो दोस्तों, भारत और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों के कारण काफ़ी तनाव में रहते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस देश से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफ़ी मुश्किल है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। कम उम्र में शादी होने की वजह से कच्ची उम्र में ही लड़कियों को प्रेगनेंसी का दर्द झेलना पड़ता है। यहाँ कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना इलीगल है, लेकिन यूनिसेफ के द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, स्पेशल केस के तहत यहाँ नवजात बच्चों की शादी करवा दी जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। जी हाँ, बांग्लादेश प्रोस्टिट्यूशन में कोई कानून नहीं रखता। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। माना जाता है कि यहाँ करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं इस व्यापार का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय है। यह करीब 1300 करोड़ लड़कियाँ अपने आप में सम्माहित करे हुए हैं, जहां पर सिर्फ वेश्यावृत्ति होती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें से कई ने तो प्रोस्टिट्यूशन 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। बांग्लादेश में चीटिंग को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। 15 साल से ऊपर के बच्चे अगर परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल की सज़ा भी मिल जाती है। हर साल फाइनल एग्ज़ाम से पहले बांग्लादेशी सरकार काफ़ी बड़े पैमानों पर कैंपेन्स चलाकर बच्चों को चीटिंग करने की चेतावनी देती है। इस देश में परिवार वाले ही लड़कियों को वेश्यालय में बेच देते हैं। देश के अंदर और बाहर लड़कियों का सौदा खुलेआम होता है। पुलिस की माने तो हर साल करीब 15,000 महिलाओं और बच्चों को देश के बाहर बेच दिया जाता है, लेकिन असलियत में यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे।